बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर चीन पर हमला किया है। ट्रंप का कहना है कि चीन उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहता है। वहीं ट्रंप ने WHO को चीन का PRO बताया और कहा कि स्वास्थ्य संगठन को शर्म आनी चाहिए और उनके पास कोरोना को लेकर चीन के बारे में सबूत है जिसको छिपाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, चीन मुझे दोबारा राष्ट्रपति नहीं देखना चाहता है। चीन की लैब से ही निकला है कोरोना वायरस। WHO पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उन्हें अभी बोलने की या बताने की ज्यादा इजाजत नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अमेरिका में COVID-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में कोहराम मचा हुआ है अमेरिका में COVID-19 से, जिसमें लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन पर हमला, इससे पहले भी हमला हुआ था और कहा कि चीन को सबक सिखाएंगे, ऐसा जुर्माना लगाएंगे जिसको चीन भूल नहीं पाएगा, जर्मनी से भी ज्यादा। लेकिन इसी बीच एक और हमला फिर से, और कहा कि चीन की लैब से ही वायरस निकला है, अभी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है, WHO को शर्म आनी चाहिए, जिसके पास चीन के सारे सबूत हैं लेकिन फिर भी तस्वीर साफ नहीं करी। एक के बाद एक आक्रामक रुख बयानों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। आपको बता दें अमेरिका में चुनाव है राष्ट्रपति के, जिसको लेकर काफी चिंतित है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में उन्होंने उस चिंता को जाहिर भी कर दी और कहा कि चीन उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए ये चाल चली, इसीलिए अमेरिका में इस तरह से कोहराम मचा हुआ है। ये सब कुछ चीन की करतूत है, चीन की लैब से ही वो वायरस निकला है जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही हैं, घर से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं या घर में ही कैद होकर रह गए हैं। लगातार नाराजगी एक के बाद एक। अभी एक बड़ी चुनौती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ COVID-19 से संक्रमित एक के बाद एक बढ़ते मरीजों की संख्या और मरने वालों का आंकड़ा।